साहब मेरी बेटी की दामाद ने पल्लू से गला घोट कर दी हत्या, पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां एक दंपति ने अपने ही दामाद पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के माता पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी की दामाद ने पल्लू से गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। 50,000 रुपये की FD को लेकर पति पत्नी में हुआ था विवाद। जानकारी के अनुसार रामचरण पुत्र गजनलाल परिहार निवासी ग्राम सेसई सड़क थाना कोलारस ने बताया कि उसने अपनी पुत्री रचना परिहार का विवाह 8 वर्ष पहले हरिचरण परिहार निवासी ग्राम चक बिजरावन थाना सिरसौत के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था। विवाह में दहेज के रूप में अपनी सामर्थ्य से मोटरसाइकिल एवं समस्त गृहस्थी का सामान तथा 50,000 रुपये की FD भी करवाई थी। आपको बता दें कि इसी FD को तोड़ने के लिए हुए विवाद में पति हरिचरण ने उसकी बेटी रचना के 29 अगस्त 2023 को पल्लू से गला घोट कर दिया था। रचना ने इलाज के दौरान 4 सितंबर को इलाज के दौरान ग्वालियर में दम तोड़ दिया, तभी से परिजन सिरसौ थाने में मामला दर्ज कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस जांच के नाम पर टालमटोल कर रही है। इससे परेशान मृतका के माता पिता ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। भाई हो कौन से गांव की हो आप? अच्छा क्या कुछ घटना हो गई आपके साथ? SP ऑफिस आई हो आप? मेरी लड़की मार दी दामाद ने। हाँ। कहाँ पे ब्याही थी आपकी लड़की? चक बिजरावन। अच्छा कब की घटना है ये? 7 तारीख को खत्म भाई, 29 तारीख को मारे और 7 दिन जी गई, 7 तारीख को खत्म गई। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कोई कार्यवाही नहीं है, नो कहते हमारी तुम्हारी जाँच चल रही है, रिपोर्ट नहीं ले रही हमारी, एफ आई नहीं काट रही। अब आप क्या चाहती हो? हम जो चाहते हैं हमारी एफ आई तो काटो। अच्छा न्याय चाहती है उसको कुछ न्याय तो करो, उसका कुछ करो तो सही। अपराधी बारह घूम रहा है ऐसे, तो मेरी 3 लड़की और है उसको भी मार देंगे फिर भी। अबे गवाह मांग रहे हैं, गवाह कहाँ से सबूत करें? तो किस पे सके आपको, किसने मारा हो आपकी लड़की को? दमाल ने मारा है और किसी ने नहीं मारा।